सावन का पावन महीना चल रहा है, हर तरफ भक्ति का माहौल है, लोग शिव उपासना में लीन हैं। दुमका के वासुकीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला चल रहा है। देश विदेश से भोले के भक्त यहां पहुंचकर फौजदारी बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। कहा जाता है कि फौजदारी बाबा सबों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देवाधिदेव महादेव, औघड़दानी, शंकर, आशुतोष सहित कई नामों से ये जाने जाते हैं। इनका एक नाम भोलानाथ भी है। कहा जाता है कि ये बड़े भोले होते हैं, इनके भक्त भी बड़े निराले होते हैं। इन दिनों वासुकीनाथ धाम पहुंचे बाबा के एक भक्त की कहानी भी बड़ी निराली है। महज 1 से 1.5 फीट की शारीरिक संरचना लिए बिहार के भोजपुर से पहुंचे इनका नाम विकास कुमार है। वासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु जब नंदी चौक के रास्ते मंदिर की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो जरमुंडी थाना के समीप विकास को बैठे देख भक्तों के कदम अनायास रुक जाते हैं। विकास को देखकर भक्तों को ऐसा लगता है मानो मंदिर से पहले उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। भक्त रुककर अनोखे शिव भक्त को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और स्वेच्छा से दान देकर आगे बढ़ते हैं। हो भी क्यों नहीं, आखिर भगवान विष्णु ने भी तो वामन अवतार लिया था, तभी तो श्रद्धालु कहते हैं कि साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। कभी रूप रंग कहीं ही नहीं दिखाई दिया, जैसे शिव भगवान के तरह बैठे हुए चुपचाप उसी का लीला है। वैसे ही नजर आ रहे हैं। ऐसा भगवान का लीला है, भगवान का लीला है, भगवान का लीला है ये कि हम लोग के मैंने दर्शन दे रहे हैं एक तरह बाबा का रूप मान के ही दर्शन दे। नाम धाम 3 साल इसको हम देख रहे हैं, बाबा के सामने है लेकिन इसको छोड़ के आगे जाता है। बाबा कहीं की वहाँ मंदिर में थोड़े रहता है, भगवान का लीला है, शिव का पूरा सरकार है इसको। इसका जो आदमी जाने दिन में सोचे समझ करके इसको 10 रुपया देना चाहिए, खाना पीना इसी में इसका है संस्कार। बाबा जी को इस साल हम लोग पहली बार आए तो बाबा जी कैसे देखे हैं, और भगवान की कृपा है जो ये बाबा ठीक है। जैसे इस तरह के रूप रंग के कभी दिखने को मिला आपके अभी जीवन में? मैंने तो देखा ही कभी, मैंने कहीं और इस तरह का नहीं देखा, कहीं नहीं अनोखा इस तरह का। हाँ नहीं देखा कभी, नहीं मैंने। चलने फिरने से लाचार 38 वर्षीय विकास को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। कहते हैं प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। खुद चलने फिरने से लाचार होने के कारण सेवादार के रूप में 2 लड़के को रखे हैं। 4 वर्षों से सावन के महीने में वासुकीनाथ आ रहे हैं। बाबा के भक्तों से जो मिल जाता है उसी से गुजारा हो जाता है। बिहार सरकार से आज तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। वासुकीनाथ आने पर रहने में परेशानी होती है, अगर सर छिपाने की जगह मिल जाता तो बेहतर होता। तो मेरा नाम जो मुझे माता पिता ने दिया है वो मेरा नाम है विकास कुमार। हम बिहार के रहने वाले भोजपुर के आरा से आते हैं। हमारा गांव अगर तंगा बहरा पे जी हाँ। देखिए ईश्वर का जो बनाया हुआ है ये शरीर, वो कभी बदलाव नहीं होता है, जैसे हैं वैसे प्रॉपर सूर्य कहते हैं, चल फिर नहीं पाते। जो किसी दूसरे के माध्यम से मुझे आना जाना पड़ता है, बहुत कष्ट है, लेकिन महादेव के दया से जो भी है वो अब किसको बदला नहीं जा सकता है, ये एक विधि का विधान है। देखिए बाबा से शिकायत क्या करना है, बाबा तो सत्यम शिवम सुंदरम है। हमको 3-4 साल हो गया आते हुए, ये 2 लड़का को रखे हैं सेवा सत्कार करने के लिए, उसको बिठाने बैठाने खाना पीना बनाने के लिए। ये तो मुसाफिरों का मार्ग है, यहाँ तो अनगिनत लोग आते हैं, अनगिनत लोग जाते हैं, इसको कोई काउंटिंग कैसे कर सकता है। कैसे आपका खाना पीना? खाना पानी इसी तरीके से होता है, जो दान पुण्य यहाँ पर मिलता है उसी से हमारा चलता है। यहाँ पर कोई मैंने हेल्प का कोई भी मदद नहीं है, जो भी है महादेव से प्रयास होता है,
बाकी और कुछ क्या करना, जो बोलना है विकास की शारीरिक अवस्था वैसे लोगों के लिए एक मिसाल है जो दिव्यांगता को अभिशाप मानते हैं। इनकी शारीरिक बनावट ही भक्तों के दिल में इनके प्रति आस्था उत्पन्न करती है। इनका विचार आम लोगों के लिए एक संदेश है कि जीवन में लाख विपत्ति आए घबराना नहीं चाहिए। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।